अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और रमज़ान का पहला रोज़ा है आज, तो बहुत बहुत सबको मुबारक हो। खुशियों का महीना आ गया है, बरकत का महीना आ गया है, तो इस महीने में हमें सबको बहुत इबादत करना है। तो आज पहले रमज़ान के हवाले से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, और आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो मुसलमान भाई हमारे हैं देख रहे हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप रमज़ान के महीने को पूरी तरह से अदा करिए, नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, और जो फ़राइज़ है उसको पूरा तरीके से हक अदा करें। अक्सर कुछ भाई हमारे ऐसे होते हैं जो रमज़ान का रोज़ा नहीं रखते हैं और कहते हैं रख नहीं सकते हैं ऐसा वैसा, तो आप कोशिश करेंगे रखने का तो आप रख सकते हैं। तो एक ये मैसेज देना चाह रहा हूँ आपको, एज़ अ भाई, एज़ अ दोस्त, आप लोगों सबको, कि जो भी मुसलमान भाई हैं रमज़ानों में सब रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, तरावी पढ़ें, और जो फ़राइज़ है उसको अदा करें। तो हमें इस महीने का बहुत इंतज़ार होता है शिद्दत से कि रमज़ान आएगा, बरकत का महीना आएगा, और हम जो सारे साल जो गुनाह करते हैं उसको माफ़ करने का सबसे अच्छा महीना है। दिन तो सारे अच्छे होते हैं, आप नमाज़ पढ़ें, तौबा करें अल्लाह पाक से, लेकिन रमज़ान का जो महीना है वो बरकत महीना होता है, ये सबको पता है, हम सब भाइयों को। तो ये कि रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और हर फ़राइज़ को मुकम्मल तौर पर अदा करें, और जो भी है अपने गुनाहों का बख्शिश का अच्छा एक महीना हमारा होता है कि हम कौन पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें और तराई पढ़ें, अपने दुआओं को, दुआओं से अल्लाह पाक को हम मना लें, उनको खुश, उनका उनको राज़ी कर लें हम, और कोशिश करें कि मैं भी शामिल हूँ, मैं भी गुनाहगार बनता हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए हमें कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए जो सके करें, किसी गरीब के मदद कर सके। जो महंगाई है उस महंगाई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके घर में राशन नहीं है और परेशान हैं, तो ऐसे लोगों को ढूंढें, आप देखें, अगर आप उसमें मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद करें। ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया है, और आपके अगर माँ बाप नहीं है, अगर मम्मी नहीं है, बाप नहीं है, तो उनको सदका ऐसा सवाब पहुँचाने का बहुत सारे ज़रिया है। आप कुरान पाक पढ़ें पूरे रमज़ान, और उनके लिए बख्शिश करें, उनके लिए दुआएँ मांगें। तो ये अच्छा महीना है, बहुत बाबरकत महीना है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे इस महीने को अच्छे से गुजारने का। ये बूंदाबांदी हो रही है, आज रमज़ान का पहला रोज़ा है और बाबरकत महीने के साथ भी आँख खुली है मेरी, जिनके 10 बज रहा है अभी, और अब तक सहरी के बाद में सो गया था नमाज के बाद, अभी आँख खुली है। मौसम देखिए आप, कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, रहमतें बरस रही है, और माशाल्लाह आज का जो दिन है 23 मार्च है और पहला रोज़ा भी है। तो देखें नाज़रीन कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है, बूंदाबांदी भी हो रही है, ये देखें, वाओ ग्रेट, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। जरा इसी साइड पर जाएँ, चले गया इसी साइड पर, ये देखिए नाज़रीन बारिश हो रही है, मेरी बेटी नहा रही है, हाय कितना प्यारा मौसम हो रहा है, फलक नाज इंजॉय, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाकई में बरकत का महीना है माशाल्लाह। रमज़ान बहुत खूबसूरत महीना है, इस साल तो माशाल्लाह 2023 का रमज़ान यादगार रहेगा। एक तो 23 मार्च को हो रहा है रमज़ान, और दूसरी बात है कि मौसम भी खूबसूरत, बारिश भी हो रही है, रहमत की बरसातें हो रही हैं, हाय माशाल्लाह माशाल्लाह। मजा रहा फलक? हाँ। रोजा हो ना आप? हाँ। आए हाय, नहाओ 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 नहाओ, बस पानी मुंह में, पानी मुंह में आ जाए, देख कर पानी डाला करो, रोज पौधे पानी
देखो सूख रहा है पौधा, ये डालते हैं फिर भी ऐसे ही रहता है। अरे माशाल्लाह, एंजॉय एंजॉय, नहाओ नहाओ, खुल के नहाओ बेटा, खुल के गिनना नहीं, बस स्लीप नहीं कर जाना, आराम आराम से रहना। माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश, मौसम को मजा लो, बड़ा प्यारा मौसम है, एंजॉय। अरे माशाल्लाह, बस मुंह में पानी ना जाए नहाते हुए, ख्याल रखना। 23 मार्च है आज, हमारी छुट्टी है, ऑफिस बंद है, तो आज का पहला दिन और पहला रोज़ा घर पे गुजार रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और आराम से गुजार रहे हैं माशाल्लाह, सुकून के साथ, मौसम भी अच्छा हो रहा है और घर पे आराम से गुजार रहे हैं, तो मेरी आज का दिन याद रहेगा उसे माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त दिन रहेगा आज का। मौसम इतना खूबसूरत हो रहा है कि दिल चाह रहा है कि जाए सी साइड पे, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, लेकिन क्या करें, जा नहीं सकते हैं अभी, बहुत दूर है और फ्रेंड्स भी सब रोज़ेदार, कैसे खेलेंगे। भाई अगर राम दिन होता अभी, अगर रमजान नहीं होता, तो लाजमी मैं भी सी साइड पर निकल जाता और इन्जॉय करता। हाँ, इन्जॉय तो अभी भी घर पे कर रहे हैं, मज़ा आ रहा मौसम दे। गाइस, हमने तो सोचा भी नहीं था कि आज रमज़ान हो जाएगा, अचानक से ऐलान कर दिया गया कि आज चांद नज़र आ गया है, तो आज पहला रोज़ा 23 मार्च ही पड़ेगा, तो आज तरावी भी अचानक शुरू हो गया है, अब सरप्राइज हो गया वैसे हमने। बेटी आज पहला रोज़ा रखी है माशाल्लाह से, अभी इसकी उम्र 8 साल है और आज पहला रोज़ा इसने रखा है माशाल्लाह से, बहुत हिम्मत करके, और ना किसी चीज़ का एहसास उसको हुआ है। अभी मैंने इसको सुनाया था असर की नमाज के बाद कि सो जाओ बेटा वरना रोज़ा लग जाएगी आपको, तो ये सो गई थी। अरे मगरिब अज़ान होने वाली है, 5 मिनट बाकी है, तो मैं उसको उठा देता हूँ, मेरी बेटी माशाल्लाह। बेटा ए बेटा गुड़िया, सॉरी गुड़िया, ए गुड़िया, अजान हो गई बेटा, उठो बेटा, अजान हो गई बेटा, पलक पलक उठ जा बेटा, देखो गुड़िया रानी, देखो बच्चा, ये सोनी सी रानी, उठो अजान होने वाली, अरे अजान होने वाली गुड़िया, सॉरी बैठी गुड़िया, ए गुड़िया ये जान, तुम जाओ अदा होने वाले बेटे, बच्चा उठ जाओ, उठो 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 उठ जाओ, पलक आज चलो अदा ऑटोमेटिक आ जाएगा, पता नहीं है। मेरी बेटी का पहला रोज़ा था आज माशाल्लाह से, मेरी बेटी ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया, अल्लाह मेरी बेटी की हिम्मत दे और रोज़ा रखने की, क्या रखोगे बेटा, क्यों
अच्छा छुट्टी वाले दिन कल स्कूल जाओगे ना थक जाओगे आप। सही है, खाइए आप भी खाइए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम पलकना से, आज मैंने पहला रोज़ा रखा है। मुझे मैंने रोज़ा रखा तो मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे को रोज़ा लग रहा है, और इसलिए मैंने आज पहला रोज़ा रखा है। तो हमारी अभी वीडियो ख़त्म हो रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।